हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है एक बिगिनर्स फ्रेंडली मेकअप किट। सो अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है देखने में तो मेरे वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो भी प्रोडक्ट्स शेयर करूँगी वो अंडर 300 रुपीज़ होंगे सारे प्रोडक्ट्स। एंड ये अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होंगे। मैं आपके साथ कोई भी ऐसा वैसा प्रोडक्ट शेयर नहीं करूँगी। ये सारे प्रोडक्ट्स मैं खुद यूज़ करती हूँ। सो ये सारे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं अंडर 300 रुपीज़ में। सो ये बिगिनर्स फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होंगे। सो वीडियो पूरा देखें। सो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ जो प्रोडक्ट शेयर करूँगी वो मेकअप में सबसे पहला स्टेप भी होता है। सो ये है टोनर। सो मैं सबसे अफोर्डेबल वाला टोनर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ये गुलाब जल रोज़ वाटर। रोज़ वाटर जो है बहुत अच्छा टोनर का वर्क करता है एंड ये अफोर्डेबल भी है। आप ज़रूरी नहीं ये डाबर का रोज़ वाटर है, आप कोई भी ब्रांड का रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो एज अ टोनर, आप इसको यूज़ कर सकते हो। हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट था एंड इसका प्राइस है 45 रुपीज़ एंड ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मॉइस्चराइज़र की तरफ। मॉइस्चराइज़र के लिए मेरे पास यहाँ पे आपके लिए दो ऑप्शन है, एक ऑयली स्किन वालों के लिए और एक ड्राई स्किन वालों के लिए। सो ऑयली स्किन वालों के लिए मेरे पास है ये लैक्टो कैलामाइन का फेस केयर लोशन। सो ये जो है ऑयल बैलेंस लोशन है एंड ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है, ये ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है। दिस इज़ द मॉइस्चराइजर। ड्राई स्किन वालों के लिए एक मॉइस्चराइज़र सजेस्ट करूँगी, ये है निविया का क्रीम, निविया क्रीम। इसका MRP है ₹280। सो ये आपको ऑनलाइन अगर आप इसको परचेज़ करोगे तो थोड़े डिस्काउंट में आपको कम मिल जाएगा एंड इसके छोटे पैक भी आते हैं जो कि ₹50 के नीचे एंड ₹100 के नीचे अवेलेबल है मार्केट में। सो आप इसको एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो ड्राई स्किन वाले। सो ये थे हमारे मॉइस्चराइज़र। सो अब बढ़ते हैं प्राइमर की तरफ। सो प्राइमर के लिए भी मेरे पास यहाँ पे आपके लिए दो ऑप्शंस हैं। सो फर्स्ट आई हैव दिस पतंजलि का एलोवेरा जेल। आप कोई भी ब्रांड का एलोवेरा जेल एज अ प्राइमर यूज़ कर सकते हो अगर आपकी एज कम है और आपके स्किन में ज़्यादा पोर्स नहीं है, ओपन पोर्स, क्योंकि एलोवेरा जेल हम एज अ प्राइमर तो यूज़ करते हैं बट हाँ इतना अच्छा वर्क नहीं करता है एज अ प्राइमर क्योंकि ये अच्छे से आपके पोर्स को मिनिमाइज़ नहीं कर पाता है, बट हाँ ठीक ठाक वर्क करता है। और इसका मार्केट प्राइस है 90 रुपीज़ एंड ये आपको कहीं भी लोकल मार्केट में पतंजलि स्टोर्स से अवेलेबल होगा एंड आप कोई भी ब्रांड का एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि यही यूज़ करें। सो नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास प्राइमर के लिए एक और ऑप्शन है आपके लिए। सो ये है ब्लू हेवन का प्राइमर। इसका प्राइस प्रिंटेड प्राइस यहाँ पे है 300 रुपीज़ बट हाँ ये आपको ऑनलाइन आराम से 250 के आसपास मिल जाता है एंड ये बहुत अच्छा एंड अफोर्डेबल प्राइमर है बिगिनर्स के लिए। सो ये था हमारा प्राइमर। सो प्राइमर के बाद बढ़ते हैं फाउंडेशन की तरफ। सो फाउंडेशन के लिए मैं अगेन आपको दो ऑप्शन यहाँ पे दूंगी। सो फर्स्ट मेरे पास है ये लैक्मे का इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन SPF 8। सो ये जो है इसका प्राइस है 260 रुपीज़ MRP इसका, बट हाँ ये 250 तक आपको मार्केट में भी मिल जाती है एंड डिस्काउंट में आपको ऑनलाइन ये और शायद और ज़्यादा डिस्काउंट में मिल जाए। अच्छी फाउंडेशन है, ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट बिकॉज ये मैट नहीं है एंड 250 में ये जो है बेस्ट फाउंडेशन रहेगा बिगिनर्स के लिए। सो नेक्स्ट है मेरे पास ये ओलिविया का पैन स्टिक। ये 100 रुपीज़ में आपको आराम से ऑनलाइन या लोकल मार्केट में मिल जाता है। सो इसकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा ये आपको मिल रहा है 100 रुपीज़ में एंड ये बहुत अच्छा है। वाटरप्रूफ आप चाहो तो इसको कंसीलर की तरह यूज़ कर सकते हो या तो फिर फाउंडेशन की तरह यूज़ कर सकते हो। मेकअप स्टिक है ये ओलिविया का एंड अफोर्डेबल है। सो बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम कंसीलर की तरफ। सो कंसीलर के लिए एक तो आप ये ओलिविया का मेकअप स्टिक यूज़ कर सकते हो, कंसीलर का बहुत अच्छा वर्क करता है। सो नेक्स्ट मैं कंसीलर के लिए मेरे पास है अप्सरा ब्यूटी का कंसीलर।
अफोर्डेबल कंसीलर है ये। ये कंसीलर आपको 150 के नीचे नीचे ऑनलाइन बड़े आराम से मिल जाएगा। इसमें काफ़ी सारे शेड्स अवेलेबल हैं, तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा कंसीलर है। तो दिस इज द कंसीलर हियर। एंड नेक्स्ट मेरे पास है पाउडर के लिए, मेरे पास दो ऑप्शन है अगेन। फर्स्ट मेरे पास है ये मेबेलिन का फिट मी मेड प्लस पोलेस कॉम्पैक्ट, मिरर के साथ आता है ये। तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है, 150 के नीचे नीचे या 150 के अराउंड आपको आराम से ऑनलाइन। सो दिस इज़ द फर्स्ट ऑप्शन फॉर पाउडर। एंड नेक्स्ट मेरे पास है ये लैक्मे का रेडियंस कॉम्पैक्ट, ये जो है आपको 130 के अराउंड या 120 के अराउंड आराम से लोकल मार्केट में भी आपको आराम से मिल जाएगा 130 के अराउंड। सो ये भी अगेन बहुत अच्छा वाला कॉम्पैक्ट है बिगिनर्स के लिए एंड अफोर्डेबल भी है। सो ये थे हमारे कॉम्पैक्ट या पाउडर मेकअप को सेट करने के लिए। नेक्स्ट मैं बढ़ती हूँ आई मेकअप की तरफ। तो आईलाइनर के लिए मेरे पास है ये दो ऑप्शन आपके लिए, एक है एल एटीन का काजल, दूसरा है ये लैक्मे का काजल। लैक्मे का काजल जो है आपको 150 में मार्केट में मिल जाएगा, बट हाँ ऑनलाइन इसमें डिस्काउंट चलते रहते हैं, तो आपको 150 के नीचे नीचे ऑनलाइन मिल जाएगा। एंड ये बहुत अच्छा काजल है, स्मज प्रूफ है एंड जेट ब्लैक है। एंड नेक्स्ट ये जो एली 18 का काजल है, ये आपको 100 रुपीज़ के अराउंड बड़े आराम से मिल जाता है ऑनलाइन या लोकल स्टोर से, आप कहीं भी परचेज करते हो इसको। ये बहुत अच्छा काजल है ऑफकोर्स। तो काजल के लिए हम मेरे पास ये दो ऑप्शन थे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लाइनर की तरफ। सो लाइनर के लिए फर्स्ट तो मेरे पास ये लैक्मे का इंस्टा लाइनर है, ये इसका ये 110 के आसपास आपको आराम से मिल जाता है ऑनलाइन भी, लोकल स्टोर में भी मिल जाता है ये। सो अफोर्डेबल है, इसकी टिप भी जो एप्लीकेटर है वो भी बहुत अच्छा है, बिगिनर्स फ्रेंडली है। सो ईजी होगा इससे लाइनर ड्रॉ करना। एंड अगर जो बहुत ज़्यादा बिगिनर्स हैं तो इनके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है, इस तरह का आप स्केच आईलाइनर ले सकते हो कोई भी, ये भी 100 रुपीज़ के अराउंड आपको मिल जाता है लोकल मार्केट में। आप कोई भी ब्रांड का इस तरह का स्केच आईलाइनर ले सकते हो और अप्लाई करने में बहुत ईजी हो जाता है एकदम, आप इसको पेंसिल की तरह पकड़ के अप्लाई कर सकते हो। सो दिस इज़ द लाइनर के ऑप्शन मेरे पास थे। एंड नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मस्कारा की तरफ। सो मस्कारा के लिए मेरे पास यहाँ पे ये है मेबेलिन का हाइपर कर्ल वाटरप्रूफ मस्कारा। सो ये आपको बहुत अच्छा मस्कारा है, वाटरप्रूफ है, एप्लीकेटर अच्छा है अप्लाई करने के लिए। एंड आपको मिल जाएगा 260 के आसपास ऑनलाइन आराम से। सो दिस इज़ द मस्कारा, बिगिनर्स फ्रेंडली, अगेन अफोर्डेबल है। नेक्स्ट मैं आईब्रोज़ के लिए आपको प्रेफर करूँगी आईब्रो पाउडर। आप चाहो तो अगर आपके पास कोई भी आई शेडो पैलेट होता है उसमें ब्लैक का शेडो होता है तो आप उसको भी एज अ आईब्रो पाउडर यूज़ कर सकते हो, आईब्रो पेंसिल यूज़ कर सकते हो, बट हाँ आईब्रो पाउडर जो है वो थोड़ा नेचुरल लुक देता है। सो आप इस तरह के किट्स जो हैं यूज़ कर सकते हो, आईब्रो किट्स, इनके साथ आपको इस तरह का ब्रश भी मिल जाता है। एंड ये 150 के अराउंड आपको आराम से ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, सो आप ये परचेज कर सकते हो। इस तरह के आईब्रो पाउडर्स अफोर्डेबल होते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा चलते हैं आपके। सो दिस इज़ द आईब्रो किट। एंड इसके बाद बढ़ते हैं आई शेडो पैलेट की तरफ। सो आई शेडो पैलेट के लिए मैं एक ही जो पैलेट है मैं आपके साथ शेयर करूँगी, एक ही पैलेट मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो है। सो आई शेडो के लिए मेरे पास है ये स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट, ये शेड 01 है मेरे पास, सॉरी 04 है मेरे पास। इसके बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं, सो मेरे पास ये था और ये आपको ऑनलाइन 150 के अराउंड आराम से मिल जाता है, फ्लिपकार्ट अमेजन कहीं से भी आप उसको परचेज़ कर सकते हैं, ये आपको 150 के अराउंड आराम से मिल जाता है। सो दिस इज़ द आई शेडो पैलेट फॉर बिगिनर्स। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं ब्लश की तरफ, हाइलाइटर की तरफ एंड ब्रॉन्जर की तरफ। सो ब्लश के लिए मेरे पास है ये, ब्लश एंड ब्रॉन्जर के लिए मेरे पास है ये SFR का किट। मैं आपको ब्लश भी मिल जाता है, काउंटर ब्राउन्जर एंड हाइलाइटर भी मिल जाता है। इसका ब्लश जो है बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है ब्लश, ये भी पिगमेंटेड है बट हाँ उतना नहीं है, ये भी पिगमेंटेड है। सो
ये जो है 230 का आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाता है, 230 का। इसके लिए इस पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, हाईलाइटर, ब्राउनर, कंटूर, 230 का बहुत अच्छा है, बिगिनर्स फ्रेंडली एंड हैंडी भी है बहुत ज़्यादा। आपकी तीनों चारों चीज़ें एक ही पैलेट में है, सो हैंडी भी हो जाता है। सो दिस इज़ द ब्लश एंड ब्राउनर पैलेट मेरे पास, और हाईलाइटर के लिए मेरे पास एक और ऑप्शन है आप। सो ये है शिवाना का शिमर बिक्स, इसमें आपको हाईलाइटर शेड, ब्लश शेड, ब्राउनर, काउंटर शेड मिल जाते हैं। आप इसको एज इन कलर्स को जो नीचे जो वाली जो ब्रिक्स दिख रही हैं इनको आप एज आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं मैक्सिमम इसको हाईलाइटर की तरह यूज़ करती हूँ। सो ये भी अगेन बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट है एंड ये आपको 180 के अराउंड ऑनलाइन अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट से आप इसको परचेज़ कर सकते हो ऑनलाइन। मैंने भी फ्लिपकार्ट से ही परचेज़ किया था, इसको काफ़ी टाइम हो गया मुझे यूज़ करते हुए। बहुत अच्छा हाईलाइटर है। सो दिस इज़ द हाईलाइटर। नेक्स्ट मैं लिपस्टिक के लिए आपको अगेन दो ऑप्शन दूंगी। लिपस्टिक के लिए अगेन मेरे पास है ये दो ऑप्शन, एक लिप क्रेयॉन है, एक मैट लिपस्टिक है। सो ये जो है मेट मी करके लिपस्टिक आती है, ऑनलाइन अवेलेबल है, लोकल स्टोर में, मार्केट्स में अवेलेबल है। अंडर 100 रुपीज़ आपको मिल जाती है। बहुत अच्छी लिपस्टिक है, स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है एंड एक्सट्रीमली ड्राई नहीं बनाती आपके लिप्स को एंड अच्छी लिपस्टिक है। सो दिस इज़ द लिपस्टिक हियर। एंड नेक्स्ट है ये स्विस ब्यूटी का लिप क्रेयॉन, ये अगेन 100 रुपीज़ के नीचे आपको मिल जाता है। एंड मेरे पास ये मरूनिश शेड है इसका, लाइक दैट देख सकते हो। ये भी आपको 100 रुपीज़ के नीचे आराम से ऑनलाइन मिल जाता है। सो दिस इज़ द लिपस्टिक। एंड नेक्स्ट सबसे लास्ट में मेकअप रिमूवर की बात करते हैं। सो मेकअप रिमूवर के लिए मेरे पास है यहाँ पे गार्नियर का माइसेलर वाटर, काफ़ी अफोर्डेबल है ये मेकअप रिमूवर। इसका प्राइस है, MRP है इसका 175, लेकिन ये ऑनलाइन आपको डिस्काउंट में काफ़ी कम रेट में मिल जाएगा इससे। सो दिस इज़ द गार्नियर का माइसेलर वाटर, बहुत अच्छा जो है मेकअप रिमूवर का काम करता है ये, और सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो एंड इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी है, काफ़ी दिन चल जाता है आपका। सो अगर मेकअप ख़रीदा है तो मेकअप रिमूवर की तो ज़रूरत पड़ेगी। सो दिस इज़ द रिमूवर, मेकअप रिमूवर। सो ये थी मेरी आज की वीडियो एंड अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो एंड अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।